आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट या अधिक जनसंख्या होने से क्या समस्याएं किसी भी देश को आती हैं, उससे संबंधित चर्चा आज हम करेंगे। यदि हम भारत में बात करें तो भारत में जनसंख्या बढ़ने से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिनमें प्रमुख समस्याएं जो हैं वो सबसे बड़ी समस्या है आर्थिक विकास में बाधा, हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास के लिए आर्थिक नियोजन को अपनाया गया, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें योजनाओं से जितनी अपेक्षा थी उतना तेज़ी से आर्थिक विकास हम नहीं कर पाए। राष्ट्रीय उत्पादन और आय में वृद्धि होने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति आय में हमारे कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। यह हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो हमने विकास किया या जो भी वित्तीय संसाधन या अन्य संसाधनों का उपयोग हमें विकास के लिए करना था, उन संसाधनों का उपयोग हम बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही करते चले जा रहे हैं। तो बढ़ती हुई जनसंख्या का सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है या जो सबसे बड़ी समस्या उन्होंने देश के लिए क्रिएट करी वो है आर्थिक विकास में बाधक बनना। उसके बाद आता है हमारा बेरोजगारी की समस्या। जनसंख्या विस्फोट के कारण बेरोजगारी भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हम यदि देखें तो दिनों दिन ये समस्या विकराल रूप लेती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हुई तो हमारी श्रम शक्ति में भी वृद्धि हुई है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा लेबर क्रिएट हुआ है उसके लिए रोजगार के अवसर पर्याप्त संख्या में या जितनी जिस दर से हमारे यहाँ जनसंख्या या अतिरिक्त श्रम शक्ति बढ़ी है उस दर से हम रोजगार क्रिएट नहीं कर पाए हैं। तो इन दोनों के मिसमैच के कारण या इन दोनों के असंतुलन के कारण हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद आता है हमारा गरीबी की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो पाई है। प्रति व्यक्ति आय न बढ़ने से हमारी बचत, विनियोग या हम कह सकते हैं कि जनता के जीवन स्तर में विकास होने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं आया है। तो इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या ने गरीबी की समस्या को भी बढ़ाया है। यद्यपि सरकार ने गरीबी निवारण से संबंधित अनेक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या के आगे यदि हम इन प्रयासों की बात करें तो वो सफल हमें दिखाई नहीं देते। तो गरीबी की समस्या भी जनसंख्या विस्फोट के कारण या बढ़ती जनसंख्या के कारण दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद आता है हमारा खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड एसेंशियल कमोडिटीज़। हम कह सकते हैं कि हमने हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमने पढ़ा, श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन जो हमने पढ़ा, इनके द्वारा कृषि क्षेत्र में हम कई परिवर्तन और काफ़ी हमने खाद्यान्न उत्पादन में या विभिन्न प्रकार के आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में हमने बहुत वृद्धि की है, लेकिन इसके बावजूद भी जनसंख्या के अधिक होने से प्रति व्यक्ति वस्तुओं की उपलब्धता यदि हम देखें तो वो दिनों दिन कम होती जा रही है। और कई बार तो ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि हमें इन आवश्यक वस्तुओं का आयात भी करना होता है, हमें इनको इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो जो विदेशी विनिमय हमारे देश के विकास के लिए या हम कह सकते हैं पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए काम में आना चाहिए, उसका उपयोग हम आवश्यक वस्तुओं के आयात में लेते हैं। तो इस तरह से हमारा विकास तो अवरुद्ध होता ही है और हमारी जनता को आवश्यक वस्तुएँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती। इसके बाद आता है हमारा आवास की समस्या या हाउसिंग प्रॉब्लम। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या को यदि हम देखें तो प्रतिवर्ष हमको उनके आवास सुविधा के लिए मतलब लाखों मकानों की आवश्यकता पड़ती है।
लेकिन उतनी सुविधाएं हम नहीं जुटा पाते हैं, जिसके कारण जनता को कह सकते हैं अनहेल्दी एरियाज़ में रहने को विवश होना पड़ता है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर पेयजल की सुविधा नहीं है या बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी जो बेसिक नीड्स हैं, वहां ऐसी सुविधाएं ना होने पर भी जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारी जनता को ऐसे क्षेत्रों में आवास ढूंढना पड़ता है और इस आवास की समस्या से उनका जीवन स्तर भी अपने सही रूप में या वो अच्छा जीवन स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो जनसंख्या विस्फोट के कारण आवास की समस्या भी उत्पन्न हुई है। इसके बाद आता है हमारा पूंजी निर्माण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि जनसंख्या में अधिक वृद्धि के कारण हम जानते हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हो पाई है, और दूसरी ओर हम देखें तो इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारण महंगाई भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इससे लोगों की एक तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुई, इन्फ्लेशन के कारण वस्तुएं कॉस्टली होती जा रही हैं, तो इन दोनों ही कारणों से लोगों की बचत क्षमता जो है, सेविंग कैपेसिटी जो है, वो कम होती जा रही है। और जब हमारी सेविंग कैपेसिटी नहीं होगी तो हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात नहीं कर सकते। तो इस तरह से कैपिटल फॉर्मेशन या पूंजी निर्माण की समस्या भी आई है, और पूंजी निर्माण न होने से हमारे विकास में भी बाधा उत्पन्न हुई है। इसके बाद आता है हमारा विदेशी विनिमय की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये हमने अभी पढ़ा था पहले भी कि तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के कारण उनकी मांग पूर्ति के लिए हमें खाद्यान्न हुआ या कोई भी आवश्यक वस्तुएं हुई, उनका भी अनेक बार आयात करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जो हमें विकास कार्यों के लिए हम धन चाहिए होता है, उसको पूरा करने के लिए हमें विदेशों से भी ऋण लेने पड़ते हैं। ऋण लेने एक बार तो इजीली लगता है, लेकिन उसकी ब्याज और किस्तें भी हमें चुकानी पड़ती हैं। तो इस तरह से एक वित्तीय भार देश पर उत्पन्न होता है, और बढ़ती जनसंख्या के कारण जो ये वित्त हमें विकास के लिए काम में लेना चाहिए, उसको हम घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में ही काम में लेते हैं, और इस कंडीशन ने विदेशी विनिमय का संकट और अधिक हमारे लिए बढ़ाया है। इसके बाद आता है हमारा नगरीकरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन। जनसंख्या वृद्धि के कारण हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ा है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ने से कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट जो हमने पढ़ा था, उसको प्रोत्साहन मिला है, और इसके कारण जनता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपने जीवन स्तर में सुधार के लिए, हम कह सकते हैं अपने रोजगार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरों की ओर आने लगी है, और इससे शहरीकरण की समस्या उत्पन्न हुई है। क्योंकि शहरों में स्वतः जो वहाँ रहने वाली जनता है, उनको तो रोजगार की समस्या है ही, और यदि ग्रामीण क्षेत्रों से भी वहाँ मूवमेंट बढ़ेगा, यदि वो शहरी क्षेत्रों की ओर अग्रसर होंगे या वहाँ पर बसना चाहेंगे, तो शहरी क्षेत्रों में भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगेंगी। मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से शहरीकरण के कारण सामान्य सुविधाओं का अभाव सभी को होने लगेगा। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरीकरण, अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है। इसके बाद यदि हम देखें तो निरक्षरता की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी। हम जानते हैं कि जिस दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस दर से हम आधारभूत सुविधाओं का विकास नहीं कर पाए हैं। आधारभूत सुविधाओं का विकास न होने से जो हमारी श्रम शक्ति अतिरिक्त बढ़ती है, उसकी गुणवत्ता में भी कोई, या हम कह सकते हैं हम क्वालिटेटिव फॉर्म में भी उसमें कोई सुधार नहीं ला पाते। जब उनकी क्वालिटी श्रम शक्ति की इतनी अच्छी नहीं होती, तो उनको रोजगार मिलने में भी कठिनाई आती है। तो इस तरह से आधारभूत सुविधाएं, जैसे मेन शिक्षा की यदि हम बात करें, तो शिक्षा की सुविधा न होने से कई बार अनेक प्रतिभाएं, मतलब चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पाती, और अपनी निरक्षरता की समस्या के कारण वो अपना जीवन यापन गरीबी में ही करने को विवश हो जाती हैं। तो एक तरह से यदि हम ओवरऑल बात करें, तो जनसंख्या वृद्धि ने या जनसंख्या विस्फोट ने अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है,
यदि हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करें तो हम अनेक समस्याएं तो स्वतः है, जैसे गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, निरक्षरता है, या आर्थिक विकास की जो बाधा है, पूंजी निर्माण की जो कमी है, बचतों में जो कमी है, प्रति व्यक्ति आय की जो कमी है, ऐसी अनेक समस्याएं हमारी स्वतः ही कम हो जाएंगी या खत्म होने लगेंगी यदि हम जनसंख्या नियंत्रण की ओर ध्यान देंगे।